पर्यावरण संरक्षण को लेकर चलाई गई अनूठी पहल के चलते बिलासपुर जिले के झंडुता हल्के स्थित घंडीर में जिला स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के वन एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। पर्यावरण संरक्षण को लेकर चलाई गई अनूठी पहल के चलते बिलासपुर जिला के झंझुटा हल्के स्थित गंडीर में भी जिला स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के वन एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम के दौरान गोविंद सिंह ठाकुर ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों और विधायकों सहित स्थानीय ग्रामीणों के साथ मिलकर न केवल पौधे लगाए बल्कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। गौरतलब है कि बिलासपुर जिला में भी 109 हेक्टेयर जंगल जमीन पर 62,900 पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें से 57,000 पौधे लगाए जा चुके हैं। वहीं वन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने पर्यावरण संरक्षण के लिए इस पहल को अहम बताते हुए वन महोत्सव से जुड़ने के लिए प्रदेश की जनता का आभार जताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में 27.12% फॉरेस्ट लैंड कवर बनता है, जिसको बढ़ाकर 37% करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, और इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने आमजन से सहयोग दिए जाने की भी अपील की है। हिमाचल प्रदेश में 22,56,000 वृक्ष अब तक लग चुके हैं, और जिसमें लगभग 1,15,000 लोगों की पार्टिसिपेशन हुई है, और वन विभाग से मिलकर जिन्होंने ये प्लांटेशन किया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण है तो वृक्षारोपण ही है, और इसलिए वृक्षारोपण करना हमारे जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण काम हमारे पास है। हिमाचल प्रदेश में लगभग 27.12% जिसको हम फॉरेस्ट कवर मानते हैं, अब ये फॉरेस्ट कवर हमको मैक्सिमम हमको 37% तक बढ़ाना है, और उसके लिए पूरे प्रदेश का यानी हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है, और सरकार भी प्रयास करेगी, और हम उस लक्ष्य की ओर हम अब हम बहुत तेज़ गति